ये डाई है, स्टील का बनाया हुआ डाई, इसमें सीमेंट का खंभा बनता है और वो खंभा में ये 6 mm का सरिया, लोहे का सरिया लगता है सीमेंट का खंभा में। नया डाई, ये गिट्टी है, छोटा वाला गिट्टी, और ये पाउडर है, पत्थर का पाउडर, और पत्थर का पाउडर, और ये सीमेंट, यानी गिट्टी, सीमेंट और वो है पत्थर का पाउडर यानी बालू। ये तीनों को मिक्सिंग करके, बस तीन को मिक्सिंग करके ये सीमेंट का खंभा बनाया जाता है। बनाना बहुत ही इजीली है, बस इस तरह से नीचे कोई बोरी रख दो या कोई पेपर ऊपर, ये सब को नीचे रख के, ये डाई रख के उसमें थोड़ा थोड़ा ये ऑयल दे दो, ऑयल है वेस्ट ऑयल, यानी जो गाड़ी वगैरह से जो निकलता है वेस्ट वाला, वही ऑयल है। इसको ये ऑयल इसलिए दिया जा रहा है कि इसको जो जब डाई को उठाने समय वो जो ये जो है सीमेंट का खंभा वो चिपके ना रहे, यानी अच्छी तरह से वो बन जाए, इसलिए ये ऑयल दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से एकदम प्लेन बन जाए इसलिए दिया जाता है ऑयल। ऑयल देने के बाद ये मसाला है, यानी मिक्सिंग किया हुआ थोड़ा लूज मसाला बनाया गया है, उसी को ला के यहाँ डाई में डाला जा रहा है। लूज मसाला वही छोटा वाला मेटल, फिर वही पत्थर का पाउडर और सीमेंट, बस तीन चीज़ों का मिक्सिंग है। पानी डाल के थोड़ा लूज किया गया है, मिक्सिंग करके फिर इधर ला के डाई में डाला जा रहा है। ये अभी सीमेंट का जो खंभा बन रहा है अभी छोटा वाला बन रहा है, यानी बड़ा वाला भी डाई है तो ये अभी छोटा वाला बनाया जा रहा है। ये जो सीमेंट का खंभा, ये प्लॉट उलॉट में जो जैसे कोई चीन उन के लिए नहीं गड़ा जाता है, वहीं ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है सीमेंट वाला खंभा, बहुत तरह के उपयोग में लाया जाता है ये छोटे वाले। बड़े वाले तो जो होता है उसको तो ये सरिया दिया जा रहा है, लोहे का सरिया, सरिया 6 mm का। ये छोटा वाला है इसमें सिंगल सिंगल सरिया दिया जा रहा है, बड़ा वाला में 3-4 ऐसे करके बढ़ा के दिया जाता है, जितना बड़ा उतना बढ़ा के सरिया दिया जाता है। सरिया देने के बाद ऊपर से फिर थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला, यानी वही मसाला दिया जा रहा है, यानी वो डाई के बराबर दे के फुल करना है, डाई के बराबर तभी अच्छी तरह से बनेगा ये मसाला। लूस वाला मसाला से अच्छा बनता है। ये जो मसाला मिक्सिंग है उसको तो आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, मेरे ही चैनल में बहुत सारे बनाकर डाला गया है ये मसाला कैसे मिक्सिंग होता है उसके बारे में। ये मसाला डाल के इस तरह से करनी से इसको इस तरह से खांचा जाता है, लेवल किया जाता है, बस इतना ही देख सकते हो, इतना ही बस ऐसे इस तरह से लेवल किया जा रहा है। लूस है तो उतना इसमें कुछ मेहनत करना नहीं होता है, लूस है तो बस अपने जगह डाई के साइज में वो अपने आप हो, जो मसाला होता है वो अपने आप चला जाता है। ये देखो कुछ देर के बाद इसमें पाउडर, यानी सुखाने के लिए इसमें और पाउडर दिया जाएगा, जैसे इसमें सीमेंट और वो है पत्थर का पाउडर मिक्सिंग करके इसके ऊपर दिया जाएगा, इसे तो इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि पानी है तो वो पानी जल्दी सोख ले और सूख जाए, तो जितना जल्दी सूखे उतना जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है। अगर ये सूखा वाला पाउडर ऊपर से नहीं देने से वो बहुत लेट करता है, इसलिए सूखा वाला पाउडर दिया जाता है, जैसे सीमेंट और बालू को मिक्सिंग करके सूखा पाउडर बना के ऊपर से दिया जाता है, तो ये जल्दी पानी सूख जाता है, यानी थोड़ा सूख जाता है तो जल्दी बनता है इस तरह से। फिर वो देने के बाद इस तरह से करनी से उसको प्लेन किया जाता है, सम किया जा रहा है इस तरह से, अच्छी तरह से उसको सम किया जाएगा। ये जो सीमेंट का खंभा है इसको अधिकतर खेतों में यही सीमेंट का खंभा ही दिया जाता है, क्योंकि ये सीमेंट का खंभा अगर
एक बार लग जाता है तो बस वो बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि सीमेंट का खंभा, सीमेंट का पोल होता है जो शेड उड बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसके बारे में भी मेरे इस चैनल में वीडियो बनाकर डाला गया है। यानी सीमेंट का बहुत सारे जो चीज़ें बनते हैं उसके बारे में वीडियो बनाकर मैं अपना इस चैनल में डाला हुआ हूँ। ये जो सीमेंट का खंभा होता है उसमें दीमक नहीं लगता है, जैसे लोहे का जो होता है उसमें तो जंग लग जाता है, और लकड़ी का अगर रहेगा तो उसमें दीमक लग जाता है। मेरा इस चैनल में इस तरह से एक्टिविटी अक्सर देखने को मिलता ही रहता है। देख सकते हो ये सीमेंट के खंभा हुआ, पोल हुआ, जैसे सीमेंट का थोड़ी चौखट होता है वो सब, यानी बहुत तरह के, जैसे ईंट कैसे बनता है, सीमेंट का ईंट, वो सब के बारे में भी मेरा इस चैनल में वीडियो बनाकर डाला जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से इसको आप लेवल करोगे, प्लान करोगे, उतना अच्छा दिखता है। अब इस तरह से करनी, छोटे वाले करनी हो या बड़े वाले करनी, पकड़ लो और इस तरह से प्लान कर दो। ये डाई है, बस ये डाई को स्टील का जो होता है, स्टील का चदरा वगैरह, स्टील का उसी का कटिंग करके बनाया गया है स्टील का। ये फिर नेक्स्ट कुछ मिनट बाद इसको, यानी सूख जाने के बाद, ये डाई को इस तरह से धीरे धीरे करके, यानी थोड़ा थोड़ा हिला कर धीरे धीरे ऐसे इस तरह से उठाया जाता है, धीरे धीरे यानी हिला कर इस तरह से ऐसे उठा दिया जाता है। बस अब ये रेडी हो गया। अब इसको करीब 15-20 घंटे के बाद इसको उठाने के लायक हो जाएगा। ये इस तरह से बनता है, इस तरह से इधर बहुत बना कर रखा गया है।